गाइस फाइनली हम बाहुबली हिल्स आ चुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे जय माहिष्मति। तो देखते हैं कैसा ऊपर का व्यू होने वाला है। चल रहे हैं, यहाँ के 200-150 मीटर की फुट ट्रैक है, बहुत ऑसम यहाँ का व्यू है। देखो आप मेरे पीछे, ये यहाँ का व्यू है और अभी हम हिल पर जाएंगे, ऊपर टॉप पर जाकर देखेंगे कि कैसा ऑसम व्यू होने वाला है। ठीक है, तो चलते चलिए मेरे साथ। राजस्थान के उदयपुर में स्थित बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू वाली एक पहाड़ी जिसका नाम है बाहुबली हिल्स। व्यू है, आप व्यू देखो कितना बेहतरीन व्यू है और यहाँ बौछार हो रही है हल्की हल्की, इतना प्यारा यहाँ का व्यू है। सिटी ऑफ लेक्स, सीरियसली इट्स रियली अमेजिंग। और जो इस टाइम बारिश का मौसम है उस वजह से ये और भी ज़्यादा बेहतरीन हो रखा है। हिल्स से सनराइज और सनसेट के टाइम पर बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं जब आसमान ऑरेंज और पिंक रंगों से भर जाता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट स्पॉट है जो नेचर के बीच में थोड़ा सा सुकून चाहते हैं। गाइस, अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान रेगिस्तान है तो आपको मेरे पीछे ये वाला व्यू देखना चाहिए। गाइस, राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, राजस्थान के उदयपुर सिटी आइए, इट्स रियली ब्यूटीफुल और ये बहुत ऑसम है। बाहुबली हिल्स का ट्रैक काफ़ी इजी है और बिगिनर्स के लिए सस्टेबल भी। रास्ते में हरियाली, छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स और रॉकी पाथ्स मिलते हैं। जब आप हिल के टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपको अरावली माउंटेन्स और शांत बड़ी लेक के पनोरमिक व्यू मिलता है। गाइस, ये है बाहुबली हिल्स। जय माहिष्मति। मम्मा गणेशा, दिस इज बाहुबली हिल्स एंड यू आर एंजॉयिंग इट। और जो लोग कहते हैं ना कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान है, तो गाइस ये हिमाचल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। आइए एक बार उदयपुर, ठीक है, और जब आप आएंगे तो यहाँ का जो व्यू देखेंगे, सीरियसली इट्स अमेजिंग, इट्स रियली ब्यूटीफुल। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए अगर कहा जाए तो उदयपुर की सबसे फेवरेट जगह यही है, क्योंकि यहाँ से अमेजिंग लैंडस्केप्स कैप्चर किए जा सकते हैं। काफ़ी लोग बाहुबली हिल्स मेडिटेशन और योगा के लिए भी जाते हैं, क्योंकि ये शांत एनवायरनमेंट नेचर और अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। अगर आप उदयपुर में हैं और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बाहुबली हिल्स आना तो बनता है। फतेह सागर लेक और हम यहाँ आए हैं बोटिंग करने, तो देखते हैं बोटिंग हमारी कितनी मजेदार होने वाली है। फतेह सागर लेक अपनी पीसफुल वाटर और सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है और उदयपुर की एक ज्वेल की तरह है। अरावली हिल्स के बीच ये लेक
एक परफेक्ट स्पॉट है बोट राइड के लिए और फिर बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। ये है फतेह सागर लेक और हम कर रहे हैं बोटिंग और इस म्यूजिक में बोटिंग करने का जो मजा आ रहा है सीरियसली इट्स रियली अमेजिंग। सनसेट या दिन के टाइम पे यहाँ का व्यू एकदम अनफॉरगेटेबल होता है। लोकल्स और टूरिस्ट सभी को यहाँ आना बहुत ज्यादा पसंद है। राजस्थान की गलियों में ऊंट ना देखें ऐसा तो वो ही नहीं सकता। तो ये देखिए यहाँ के ऊंट और उसकी खूबसूरती। गाइस अब हम चल रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ और ये फोर्ट कैसा है क्या है ये थोड़ा सा चक्रफ पहाड़ी के ऊपर है तो वहाँ हमें एक गाड़ी से जाना पड़ेगा और इस फोर्ट की जो टिकट है वो 174 पर हेड है और गाड़ी जो जाएगी वो यहाँ की इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो हमें लेके जाएगी जो कि उसकी भी टिकट है अलग से 120 रुपीज़ तो वो हमें ऊपर लेके जाएगी और वापस फिर के जाएगी। तो टोटल तो आप लगा लो कितने लगे ठीक है। अब चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। तो गाइस ये जो व्यू देखा ये है रास्ता ट्रैक का जो कि मॉनसून सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ जा रही है और अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के। देख लो यार कितना खूबसूरत यहाँ का नजारा है सच में बहुत अच्छा है। Thank you.
तो आ गए हम सज्जनगढ़ मॉनसून फोर्ट, और ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा, जहाँ से हम देख सकते हैं पूरा उदयपुर, जिसका व्यू बहुत ही सीनिक और अतुलनीय है। ये सज्जनगढ़ फोर्ट है, इसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, और यहाँ से मॉनसून क्लाउड्स को देखने का एक अलग ही मजा होता है। अरावली हिल्स के टॉप पर बना ये फोर्ट पूरा शहर, लेक और कंट्री साइड का एक इनक्रेडिबल व्यू देता है। हमारी आज की जर्नी का ये परफेक्ट एंड है उदयपुर के रॉयल पास्ट और नेचर के साथ उनकी डीप कनेक्शन का एक रिमाइंडर। यहाँ की एक और खास बात है, ये एरिया प्रोटेक्टेड बायोडायवर्सिटी एरिया में भी आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके जीव जंतु देखने को मिल सकते हैं और उनके बारे में यहाँ पर काफी जानकारी भी मिलती है। पुराने वक्त में राजाओं के लिए ये महल कितना सुरक्षित रहा होगा, क्योंकि जितने ऊंचाई पर ये महल है, नीचे से यहाँ तक आना बिना किसी वाहन के बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सज्जनगढ़ मॉनसून फोर्ट, जो कि यहाँ के मॉनसून के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, और यहाँ का मॉनसून मैंने आपको दिखाया, अभी भी यहाँ पे रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मन की शांति जो है वो मिल रही है, सच में बहुत अच्छा है। और अभी हम ऊपर चल गए और देखेंगे कि फोर्ट कैसा लगता है, क्या है, ठीक है, चलिए चलते हैं। इतनी ऊंचाई पर महल की बनावट और जिस शैली में ये बना हुआ है, उसको देखते ही राजस्थान की पुरानी परंपराओं का एहसास होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सज्जनगढ़, जो कि महाराजा सज्जन सिंह जी का दरबार है, यहाँ का उनका किला है, उनका महल है, और मेरे सामने उनकी ये मूर्ति लगी हुई है, और पीछे ये महाराजा सज्जन सिंह जी के दरबार की पेंटिंग। यहाँ पर सज्जनगढ़ फोर्ट के आसपास पाई जाने वाली इस वन विहार में जो वनस्पति है और यहाँ के जो पक्षी हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पाए जाने वाले मोर, अजगर और हिरन वगैरह के बारे में यहाँ दर्शाया गया है।
यहाँ पर ये जंगल दिखाया गया है और जंगल में शेर वगैरह और बाकी जानवर दिख रहे हैं कितना खूबसूरती से, और यहाँ आवाज भी है उसकी। यहाँ पर सज्जनगढ़ फोर्ट के पुराने मेवाड़ी राजा और महाराजाओं को दर्शाया गया है तस्वीरों द्वारा। अगर इस जगह की जैव विविधता को जाना जाए और यहाँ की जो दी हुई जानकारियाँ हैं उनको अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही अनेक प्रकार के जीव जंतु वनस्पति सभी हैं। यहाँ पर शेर से लेके आपको छोटे कीड़ों तक भी सभी मिलेंगे, और अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में यहाँ पर आपको एक छोटी सी चिड़िया से लेकर बाज तक सभी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर इस तरह के जानवर यहाँ पहले भी हुआ करते थे या आज भी अगर हैं तो सच में ये जगह एक बहुत ही अद्भुत जगह है। आगे बढ़ जाओ पंडित जी। ये मैं खड़ा हूँ इस रूम में, और ये मेरे पीछे प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर मेरे आगे स्क्रीन चल रही है, और यहाँ हम बहुत अमेजिंग गेम्स खेल सकते हैं जू के एनिमल्स के साथ में, और वो एनिमल्स यहाँ पर उनकी वॉइसेस भी होती हैं आप सुन पा रहे होंगे मेरे साथ। और ये देखिए अभी सांप आया है और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ। महल की बनावट के और इसकी सुंदरता के तो क्या ही कहने। तो सज्जनगढ़ फोर्ट में हमने महसूस किया अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन मॉनसून, और यहाँ की बारिश का भी आनंद लिया, और यहाँ से विदा लेते ही हमने देखा अपनी लाइफ का बेस्ट मॉनसून। तो इस बेस्ट मॉनसून के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे माउंट आबू के एक ऑसम ब्लॉग के साथ। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।